हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेपरेशन पीरियड में है और ये लग रहा है कि सेपरेशन एंड होने वाला है। तो सेपरेशन एंड होने वाला है, ये कैसे आपको लगेगा? यानी कि सेपरेशन एंड जब आपका होता है तो रीयूनियन के ही पूरे चांसेस बन जाते हैं और सोल जर्नी, हार्ट चक्र, ये सब कुछ एक्टिवेशन आपका होता ही रहता है, होता है कि नहीं? तो हार्ट चक्र में फुली आप अलाइंट रहते हैं, आपका हार्ट चक्र स्पिन करता है और इवन आप अपने आप में बिजी हो जाते हैं, आप अपने आप में रियली बहुत बिजी हो जाते हैं, एक प्रोडक्टिव वर्क आप करने लगते हैं। सेपरेशन एंड होने वाला है ये आप यही जानेंगे कि किस तरह के इंडिकेशंस आपको मिलते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी तरह का कन्फ्यूजन है या कुछ है तो आप स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और उसमें फी स्ट्रक्चर वगैरह जान सकते हैं कि इस तरह से क्या है क्या नहीं है। समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपको ट्विन फ्लेम जर्नी जस्ट अभी मालूम हुई हो। तो पहली बात तो यही है, जब आपका ट्विन फ्लेम रीयूनियन होने वाला है तो आप सडन एक ब्लिसफुल एनर्जी में रहेंगे। आपको जो ब्लिस एक बार हो सकता है कि डीप मेडिटेशन में कभी दिखा हो, या जैसे कहते हैं ना कि आत्म साक्षात्कार हुआ है, यानी कि आपको अपनी ही आत्मा दिखाई दी हो, या वाइट पुंज आपको दिखाई दिया हो, प्रकाश पुंज जैसे कहते हैं, वो अगर आपने देखा हो, है ना? तो और उसके बाद जो सडन बर्स्ट ऑफ योर ये जो आपके आंसू हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। दूसरा व्यक्ति ये कह सकता है कि अरे कितनी दुखी है, लेकिन नहीं, आप ही जानते हैं कि ये आपके बहुत ही खुशी के आंसू होते हैं, ब्लिसफुलनेस के आंसू होते हैं। तो आप पूरी तरह से अलाइंड होते हैं, अपने ईश्वर को सुनते हैं, समझते हैं, अपनी इंटेंशन को सुनते हैं, समझते हैं, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है उस चीज़ को भी आप समझ पाते हैं। ट्विन फ्लेम रीयूनियन का दूसरा साइन यही बताऊंगी कि हारमोनियस सोल इंटरेक्शंस होने लग जाती हैं। इसको आप इसी तरह से समझेंगे कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम से इनकाउंटर होते हैं तो आपका जो लव एंड सोल इंटरेक्शन होता है वो हारमोनियसली होता है। और हारमोनियस मेडिटेशन भी अगर आप करते हैं या एस्ट्रल प्लेन या डीप मेडिटेशन में आप देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये जो दो लाइट्स या टू ये कहेंगे ना, प्रकाश पुंज, एक शिव शक्ति का मिलन अगर आपने देखा ड्रीम में या एस्ट्रल ड्रीमिंग में, या अंदर से महसूस किया कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ हार्मोनाइज है, एक हमारा जो सोल बॉन्ड है बहुत ही ब्यूटीफुल क्लियर क्रिस्टल क्लियर होता चला जा रहा है, तो वहाँ पर आप समझिए कि आपका हार्मोनियस यूनियन हो चुका है, सोल मर्जिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये जो सोल यूनियन होता है इसमें आप ज़्यादातर 11-11 नंबर भी देखते हैं, तो तीसरा साइन यही कहेंगे कि 11-11 नंबर आपको कुछ ज़्यादा ही रिपीटेडली दिखने लग जाता है, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी का साइन ही माना जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप कहेंगे कि फिजिकल रीयूनियन आपका नहीं होने वाला या नहीं दिख रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा, बात ही नहीं हो रही, तो इसका 11-11 का मतलब यही है कि एक नई शुरुआत आप अपने जीवन में करेंगे, ऐसा आपको दिखाई देता है। और कुछ नया होने वाला है का मतलब ये नहीं है कि जस्ट अपने आप बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, अपने आप कुछ अच्छा अच्छा नया नया हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर आपने अपना दिमाग का भी यूज़ करना है, अपनी फ्री विल को भी समझना है कि व्हाट इज़ फ्री विल। फ्री विल क्या है कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, कहते नहीं है कि जो आप सोचते हैं वही बन जाते हैं, आपके जो विचार हैं वही आपको इस जर्नी में आगे लेकर जाते हैं। नॉट ओनली इन दिस जर्नी बट बाकी वैसे भी अगर आप देखें ह्यूमन बींग फॉर्म में आप एक इनक्रेडिबल ब्यूटिफुल सोल हैं, है कि नहीं? जो चाहते हैं वो पालेंगे कल्प वृक्ष की भांति। और आगे साइन बताया जाए तो आप हर समय अपने ट्विन फ्लेम का नाम देखते हैं, सुनते हैं, ऐसा भी देखने सुनने को मिलता है। समटाइम ऐसा भी होता है जब वो आपको मिस कर रहे होते हैं तो भी आपको मिरर नंबर्स दिखते हैं, या आपके ट्विन फ्लेम के नाम वगैरह या उनका इनिशियल या फिर उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिखाई देने लगता है। लेकिन अगर रीयूनियन होने वाला है तो ये बहुत ही एक जैसे कहते हैं ना बॉम्बार्डिंग रूप से आपके सामने इतने ज़्यादा एंजल नंबर्स दिखते हैं, इतना ज़्यादा आपको सिंक्रोनिसिटीज होती है और इतनी ब्लिसफुलनेस एनर्जी में आप रहते हैं। जब आपको लगता है कि अब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ट्विन फ्लेम आए या ना आए, जब ये वाली फीलिंग होती है तब वहाँ पर आप समझिए कि रीयूनियन होने के चांसेस हैं। और अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो हो सकता है ये रीयूनियन होने के आपके चांसेस हैं। और किसी भी तरह का पैनिक अटैक वगैरह आपके ख़त्म हो गए हैं, किसी भी तरह का अब डर अब आपके जीवन से ख़त्म हो गया है, अब तक जैसे आप ब्लैक मैजिक या समथिंग किसी चीज़ से डरते थे वो भी ख़त्म हो गया, तो समझिए ये रीयूनियन के चांसेस हैं। फिफ्थ साइन यही बताएंगे कि जो आपकी जर्नी है इसमें आप बिल्कुल ही हैप्पीनेस में आ गए हैं और ब्लिसफुलनेस की एनर्जी तो है ही है, लेकिन आप अपने आप से भी बहुत ज़्यादा नई तरक्कियों को, नई बुलंदियों को छू रहे हैं। मतलब एज़ विद इन एज़ विदाउट वाली फीलिंग है, सो विद इन सो विदाउट वाली फीलिंग है और होल्डनेस वाली फीलिंग है। आपकी जो डिज़ायर है वो आपका ट्विन फ्लेम कहीं ना कहीं वहाँ पर पूरी कर रहा है, ऐसा फील होता है, होगा आपको, तो समझ लीजिए कि ये कंप्लीशन का साइन है। मान लीजिए आप कुछ करना चाह रहे थे, आपने मान लीजिए आप कोई गाना गाना चाह रहे थे लेकिन ट्विन फ्लेम
नहीं गा पाए, लेकिन इधर से आपका नहीं हो पाया उधर वो गा रहे हैं, तो यहाँ समझिए कि एक हारमोनियस यूनियन तो है ही है, रीयूनियन के भी चांसेस हैं। आपके ड्रीम्स, नेक्स्ट बताऊंगी कि ड्रीम्स, एस्ट्रल ड्रीमिंग और जो इस तरह के मेडिटेशन में आपको सब कुछ दिखाई देता है, हारमोनियसली इंटरेक्टिंग होती है, मतलब फीलिंग ऑफ पीस एंड लव बिटवीन बोथ ऑफ यू, ये वाला आप सेंस अगर आप कर पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और उसमें भी आप ओके फील करते हैं, ये नहीं कि ओ अच्छा सपने में ऐसा देखा था अब तो जरूर हो जाना चाहिए, फ़ोन आया कि नहीं आया, ये सब कुछ नहीं, मतलब वो एक क्यूरियसिटी वाली बात नहीं कि वो कहाँ है क्या नहीं है और क्यों नहीं फ़ोन कर रहे हैं इतने टाइम से, हमें तो 2-2 साल हो गए कोई बात ही नहीं हो रही है, ऐसा इल्यूजन अब आपके मन में नहीं होगा, किसी तरह के इस तरह के क्वेश्चंस आपके मन में नहीं आएंगे, तो समझिए यहाँ पर आपकी इनर हीलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, आपके चक्रास बैलेंस हो चुके हैं और आप अपने लिए काम कर रहे हैं, है ना। आगे नेक्स्ट साइन यही बताऊंगी कि फीलिंग योर ट्विन विद यू ऑल द टाइम, ये आपको सेंस करेगा कि हाँ मेरा ट्विन का जो सोल है वो स्पिरिचुअल प्रेजेंस उसके साथ मैं हूँ, वो मेरे साथ है, ऐसा फील करेंगे, उनकी एनर्जी को आप फील कर पाएंगे, उनके बॉडी को समा फील कर पाएंगे आप, ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मेरे ही सामने थे, समटाइम ऐसा लगेगा कि आप मेडिटेशन में बैठे आंखें बंद करके और ऐसा फील होगा कि ये तो मेरे ही साथ में बैठे हुए हैं, आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, है ना, मैं कई बार बता चुकी हूँ, हाँ सेम जेंडर में भी हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि हो सकती हैं, और स्पिरिचुअली एनकाउंटर हो रहे हैं, आप एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, तो समझिए कि आपका इस 3D वर्ल्ड में, इस जगत में रीयूनियन होने के चांसेस हैं। और आगे बात करूंगी तो वो है डिवाइन टाइमिंग, कुछ लोग कहते हैं डिवाइन टाइमिंग कुछ नहीं होता, नहीं क्यों नहीं, डिवाइन टाइमिंग ही तो सब कुछ होता है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है चाहे नहीं है तो भी डिवाइन टाइम पर ही सब कुछ होता है। कई बार हम करते नहीं कि बहुत सारी कोशिशें कर लेते हैं, ये काम तो करना ही करना है, या मान लीजिए करियर का ही है, ये तो मुझे पाना ही पाना है, इतने साल हो गए, जो लोग 1 साल में पा लेते हैं हम 5 साल में नहीं पा पा रहे, ऐसा क्यों, क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग आपका नहीं आया है, हो सकता है अभी आप रिसीविंग मोड में नहीं, तो इसका मतलब ही यही है कि डिवाइन टाइमिंग का आपको वेट करना होगा, और डिवाइन टाइमिंग पर ही आपका रियूनियन होता है, आपके इमोशंस भी मैच करते हैं आपके ट्विन फ्लेम से, आपकी जो फीलिंग्स हैं चाहे वो लो है, हेल्पलेसनेस की है, एंग्री है, जो भी आपके नेगेटिव इश्यूज हैं वो सारे धुलते चले जाते हैं, ख़त्म होते चले जाते हैं, और आपको उधर भी आपका ट्विन फ्लेम मस्कुलाइन जो एनर्जी है वो भी आपको इन सब चीज़ों से पार पाती हुई दिखाई देती है, जितने भी ब्लॉक्स हैं आपके डिवाइन टाइमिंग के लिए वो भी आपको समझ में आने लगते हैं कि हाँ ये ब्लॉक्स हैं, इसी वजह से मेरा ट्विन फ्लेम रीयूनियन नहीं होने पा रहा है, तो इस तरह से ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं, वाइब्रेशन समझ में आती हैं, हैप्पीनेस समझ में आती है, और मेंटल पीस आपको समझ में आने लग जाता है, तो समझिए कि आपका रीयूनियन बहुत ही फास्ट वे में चल रहा है, और इस तरह से अब आपका हाँ एनर्जी क्लिनजिंग तो हो ही रही है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखना भी कम हो जाएगा, और इवन आप अपने काम पर पूरी तरह से फुली फोकस हो जाएंगे, आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि अब मुझे करना क्या है, इस धरती पर किस तरह से मैं आया हूँ आई हूँ, और मुझे अपनी वाइब्रेशन को किस तरह से अपलिफ्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको पूरी तरह से समझ में आने लग जाएंगी। एंजल नंबर्स तो दिखते ही हैं, बाकी सारे साइंस भी दिखते हैं, वो आपको मालूम ही है, लेकिन जब आपको ये लगेगा ना कि रियली मैं सच में ब्लिसफुल हूँ, ऐसा नहीं कि आज ब्लिसफुल हैं, न्यू मून में ब्लिसफुल हैं, नेक्स्ट डे आप रो रहे हैं, तो इतनी जल्दी नहीं है ये, क्योंकि रीयूनियन में टाइम लगता है, केयरफुल एंड शेयरिंग एनर्जी आपको फील होती है और अनकंडीशनल लव फील होता है, और किसी भी तरह से आप अब परेशान नहीं दिखते हैं, चाहे वो आपके कार्मिक हैं, घर वाले हैं, कोई और है, एनर्जेटिक आपका बॉन्ड आपके ट्विन फ्लेम से बहुत अच्छा बनता है, बाकी लोगों से भी कटता चला जाता है, आपके कार्मिक बॉन्ड्स खत्म होने लग जाते हैं, और स्केप्टिसिज्म से भी आप बाहर निकलने लगते हैं, जेलेसी मैटर जो भी होता है उससे बाहर, और जो कोडिपेंडेंसी में रहते हैं उससे बाहर, चाहे वो कार्मिक लोगों से चाहे किसी और से, शील्ड्स आप अपने लिए क्रिएट करने लग जाते हैं, एक हेल्दी बाउंड्री आप हर किसी लोगों से क्रिएट करने लग जाते हैं, इवन आपने ट्विन फ्लेम से तो आपने किया ही किया है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको ये बताती हैं कि आपका 3D वर्ल्ड में रीयूनियन बिल्कुल होने ही वाला है। इनर आपका जो कन्फेशन है या इनर आपकी इंट्यूशन है वो जो आपको कह रही है ना, बस वही सब कुछ सही है। ट्विन फ्लेम जो टेलीपैथिकली आपसे हैप्पीली अगर बात कर रहे हैं, ड्रीम में आ रहे हैं, तो वो भी साइन है कि आपका ट्विन फ्लेम से रीयूनियन होने के पूरे पूरे संकेत हैं। तो कैसा लगा वीडियो, और अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसे ही साइंस हो रहे हैं तो उस चीज़ के पीछे मत भागिए, जस्ट अपने फिर भी फोकस रहिए कि मेरा काम क्या है, चलो मैंने वीडियो देख लिया, चलो आज वीडियो भी देख लिया, रीयूनियन भी होने वाला है, ये मन से भी फील हो रहा है, तो आप अपने काम पर फुली फोकस रहें, आपका जो भी काम है किसी भी तरह के स्ट्रेस से बाहर निकलें, और जो भी मेन काम है उस काम पर फुली फोकस रहें, सोल पर्पस पर भी आप अपना काम कर ही रहे होंगे, अमल कर ही रहे होंगे, तो इसी पर आप
अपलिफ्ट होते रहें, अपनी वाइब्रेशन एनर्जी को अपलिफ्ट करते रहें। इसी एनर्जी के साथ मैं चलती हूँ, बाय बाय टाटा, और मिल देंगे कल फिर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।